अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे। आप सबके दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके साथ शेयर करूँगी आलू बोंडा रेसिपी। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैंने लिया है एक बॉईल पटाटो, उबला हुआ आलू, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 1 ग्रीन चिल्ली जो मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया, 1/2 कप चॉप्ड ऑनियन, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, खत्ती मिर्च, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून राय, 1 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ मैंने पैन को प्री हीटेड कर लिया है। ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम ऐड कर लेंगे राय और ज़ीरा, इसको अच्छे से क्रैक होने तक भून लेंगे। ऐड कर लेंगे ऑनियन, कड़ी पत्ता, ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर, खत्ती मिर, इसको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को मीडियम में रखा है। अब हम ऐड कर लेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी स्मॉल। अब हम ऐड कर लेंगे बॉइल पटैटो, उबला हुआ आलू मैश करके, इसको अच्छे से मिक्स करके देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे लिया है मैंने बेसन। अब हम ऐड कर लेंगे 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून नमक, सॉल्ट। अब हम बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे स्मॉल, 1/2 टेबल स्पून, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 ग्लास वाटर स्मॉल। थोड़ा थोड़ा डाल के हम एक बैटर रेडी कर लेंगे। देखिए बैटर बन के रेडी है। यहाँ मैंने आलू को राउंड शेप दे के रख लिया है। मैंने ऑलरेडी ऑयल को 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में हीट कर लिया है, गरम कर लिया है। अब हम बैटर में डिप करके डीप फ्राई कर लेंगे मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में। यह हो जाएगा लो फ्लेम में। इसको टर्न करके कुक कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको रिमूव करके सर्व कर लेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।